हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डिपार्टमेंट द्वारा उम्मीदवारों की कई प्रयासों ने डिपार्टमेंट ने असफल किया, जिसको लेकर डिपार्टमेंट के खिलाफ अपनी बातों को मनवाने के लिए उम्मीदवारों ने यहां पर जो है हाई कोर्ट के अंदर अपील कर दिया है 17,000 प्लस की वेटिंग लिस्ट को लेकर। तो फाइनली दोस्तों, अब जो 17,000 की वेटिंग लिस्ट है, वो आप सभी को पता था कि यहाँ पर जो है पांचवे कोर्ट नंबर से उन्हें ट्रांसफ़र चौथे कोर्ट नंबर पर कर दिया गया है, और जिसकी डेट की सुनवाई भी वो आ चुकी है। लगभग एक महीने बाद जो है आप सभी की यहाँ पर सुनवाई होगी 21 अक्टूबर 2024 को। पर दोस्तों, काफ़ी सारे उम्मीदवारों के सवाल आ रहे थे कि सर, यह जो कोर्ट केस हुआ है, इसके अंदर जिन उम्मीदवारों ने कोर्ट केस किया है उन्हें लाभ मिलेगा, या जिस तरह से रूल है वेटिंग लिस्ट जारी करने की, उन सभी उम्मीदवारों की जारी होगी, या जिन्होंने कोर्ट केस किया है या उनकी जारी होगी। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, कोर्ट केस करने के बाद डिपार्टमेंट में क्या अपडेट निकल कर आ रही है वेटिंग को लेकर, उसके बारे में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ। दोस्तों, NHM MD मैम का क्या अपडेट आया है वेटिंग को लेकर, और भी भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर, और साथ ही यहाँ पर जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पेज पर कुछ अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बारे में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कोर्ट जब लिस्टिंग यहाँ पर जो है, कोर्ट जब यहाँ पर जो है लिस्टेड हुआ था, डायरी नंबर, हर एक चीज़ आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर मिल जाती है। दोस्तों, वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट होगी आप सभी को नोटिस के माध्यम से, जितनी भी नोटिस आएंगी कोर्ट की तरफ से, वो सारी चीज़ का अपडेट आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, कई दिनों के बाद नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल पेज यहाँ पर ओपन हुई है। पर दोस्तों, इसमें स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे तो दो या तीन अपडेट यहाँ पर आई हैं। तो यहाँ पर ये जो अपडेट है उम्मीदवारों के किसी काम की नहीं है, क्योंकि जो 17,000 प्लस के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी स्पेशल नोटिस डिपार्टमेंट द्वारा अब नहीं दी गई है। तो अब बात कर लेते हैं कि उम्मीदवारों के फेवर में क्या ये अपडेट आएगी या नहीं आएगी, इसके बारे में भी मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों देने वाला हूँ। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि जो कोर्ट केस हुआ है, यानी कि दोस्तों पहला नंबर, तो अगर उम्मीदवारों के फेवर में कोर्ट का अगर जवाब आता है तो दोस्तों डिपार्टमेंट को यहाँ पर जो है वो पूरी वेटिंग की प्रक्रिया, जितनी भी सीट खाली होंगी डिपार्टमेंट द्वारा, कोर्ट का एक ब्यूरो मांगा जाएगा कि कितनी सीटें खाली हैं, कितने पर नियुक्त हुए हैं, किस किस जगह पर नियुक्त हुए हैं, वो सारी रिपोर्ट जो है कोर्ट को सौंपी जाएगी डिपार्टमेंट द्वारा, और कोर्ट देखेगा कि कितनी सीटें खाली हैं, फिर उस पर यहाँ पर जो है UP NHM डिपार्टमेंट को कार्यकालय को आदेश देगा कि इनकी वेटिंग की प्रक्रियाओं को लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, और उम्मीदवारों की वेटिंग जो है इसी हफ्ते या इसी वी और इसी महीने के बीच में जो है उम्मीदवारों की वेटिंग की जो लिस्ट है वो यहाँ पर निकाली जाए। पर दोस्तों, यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया था कि अब कोई भी उम्मीदवार अगर भर्ती से जुड़ी हुई मामले को लेकर यहाँ पर जो है रोक लगाता है या पार्टीशन फाइल करता है, तो उसमें से अगर उस उम्मीदवार ने पार्टीशन फाइल किया है, पर दोस्तों उसके जरिए से जितने भी जितने भी भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर उससे जुड़ी हुई मामले हैं, उन सारे उम्मीदवारों को यहाँ पर दोस्तों लाभ मिलेगा। ये इस बात की गारंटी आपको 100% रख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हर एक प्रक्रिया में आप सभी की वेटिंग की जो प्रक्रिया है वो आप सभी को यहाँ पर इसके अंदर, इस वैकेंसी के अंदर दोस्तों यहाँ पर मिलेगी, और आप सभी को पूरा लाभ इस वैकेंसी के अंदर दोस्तों होगा भी होगा। इन चीज़ों का बिल्कुल ही आप ख्याल रखें। और दोस्तों, जहाँ तक उम्मीद लग रही है कि उम्मीदवारों के फेवर में ही जो जवाब आएंगे वेटिंग की प्रक्रिया वाले, जितने भी जवाब आएंगे कोर्ट केस को लेकर, डिपार्टमेंट को लेकर, वेटिंग लिस्ट को लेकर, क्योंकि उम्मीदवारों की जो मांगे हैं वो बिल्कुल सही है, और दोस्तों उम्मीदवारों के फेवर में जो चांसेस हैं वो ज़्यादा आने के लग रहे हैं। तो आप सभी को, जैसा आपने इतने महीने तक वेट किया है, थोड़े महीने और वेट कर लीजिए, फाइनली आप सभी के लिए एक बेहतर गुड न्यूज़ निकल कर विभाग द्वारा आएगी। तो जैसे ही इसके रिगार्डिंग अगर डिपार्टमेंट से कोई अपडेट आती है तो आप सभी को ज़रूर हमारे चैनल के माध्यम से शेयर किया जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक ये अपडेट थी, क्योंकि उम्मीदवारों के सवाल थे क्या हमें ये उसका पूरा लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उन उम्मीदवारों को मिलेगा, तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। तो अब जो भी अपडेट है आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा, और साथ ही दोस्तों एक महीने और वेट कर लीजिए, क्योंकि अगले हियरिंग में सारी जो डाउट है आप सभी के क्लियर हो जाएंगे।
तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।